हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेक माय एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आईबीटी। तो दोस्तों, हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी आप सभी का स्वागत है आपके शो के अंदर, जिसका नाम है करंट अफेयर्स द वेकअप शो ऑन वीकली बेसिस। तो आज हम हाजिर हैं आपके सामने 1 फरवरी से 7 फरवरी की तमाम उन खबरों को लेकर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, कंपटीटिव एग्जाम्स में जीके के पोर्शन में ये न्यूज़ जो है वो क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे 1 फरवरी से 7 फरवरी की इंपॉर्टेंट खबरों को डिटेल में, चाहे वो नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अग्रीमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, अपॉइंटमेंट, ऑब्यूचरी या कोई भी सेक्टर की न्यूज़ हो, उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज ही के सेशन से जुड़ा हुआ क्विज भी अटेंड करेंगे, जिससे आज का सेशन जो है वो इजीली रिवाइज हो जाए। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ। फर्स्ट न्यूज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये रिलेटेड है 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर से। तो स्मृति ईरानी जो हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर है, तो स्मृति ईरानी इनागुरेटेड 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर। तो 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो रेशम का एक फेयर है, एक मेला लगता है, जिसमें दुनिया भर के रिप्रेजेंटेटिव्स को, बिजनेसमैन को वहां पर इनवाइट किया जाता है, वो इंटरनेशनल फेयर जो है सिल्क फेयर इंडिया में इनागोरेट किया गया वर्चुअली। इस बार ये जो इनागोरेशन हुआ है ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, ये वर्चुअली इनागोरेट किया गया है। तो टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी इनागोरेटेड द 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर ऑन वर्चुअल पोर्टल। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वर्चुअल पोर्टल के थ्रू इन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय मेले का उद्घाटन किया। द फेयर इज कंसिडर्ड टू बी इंडियाज बिगेस्ट सिल्क फेयर। तो ये भारत का सबसे बड़ा सिल्क फेयर माना जाता है, बीइंग हेल्ड अंडर वन रूफ ऑन इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स वर्चुअल प्लेटफॉर्म। और ये एक ही छत के नीचे, रूफ के नीचे एक प्लेटफॉर्म पे हुआ, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के प्लेटफॉर्म के तहत इस बिगेस्ट इंटरनेशनल सिल्क फेयर को इंडिया में आयोजित किया गया, जो कि ये इसका 8वां एडिशन था। द 5 डेज इवेंट इज बीइंग हेल्ड वर्चुअली ड्यू टू कोविड 19 पेंडेमिक। तो 5 दिनों का ये जो इवेंट है, ये कोविड 19 पेंडेमिक के कारण जो है वर्चुअली किया गया। और इसकी शुरुआत कब से हुई, 31 जैन को इसका उद्घाटन किया था स्मृति ईरानी जी, हम जो हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, मिसेज ईरानी सेड दैट मोर देन 200 ओवरसीज बायर्स हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड इक्वल नंबर ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया विल बी इंटरैक्टिंग विद मोर देन 100 रिनाउंड एंड बिग इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग सिल्क एंड सिल्क ब्लेंडेड प्रोडक्ट्स। मतलब रेशम और रेशम के उद्योग से जुड़े हुए 100 से ज्यादा बिजनेस हाउसेस और 200 से ज्यादा बायर्स जो हैं वो इस इंटरनेशनल मेले में उपस्थित रहे, और जिससे रेशम का व्यापार जो है वो बढ़ेगा। तो भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जो सिल्क की चारों किस्मों को उगाता है और सिल्क की सारी किस्मों को वो प्रोड्यूस करता है। नंबर वन कंट्री कौन सा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ सिल्क इज चाइना। तो इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सिल्क प्रोडक्शन एंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। तो इंडिया जो है उसका लॉन्ग हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही इंडिया के सिल्क प्रोडक्शन की हिस्ट्री जो है वो ट्रेस होती है, और अभी फिलहाल इंडिया विश्व में दूसरे स्थान पर है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क के मामले में, नंबर वन पे है चाइना। लेकिन इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच प्रोड्यूसेस ऑल द 4 मेजर वेराइटीज ऑफ सिल्क, दैट इज मलबरी, ईरी, तसर एंड मुगा। तो भारत दुनिया का इकलौता देश है जो ये 4 किस्मों की जो सिल्क की वैरायटी है उसको प्रोड्यूस करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ये तो करंट अफेयर का न्यूज और कुछ जानकारी जो है वो हमने आपको मुहैया करवाई है रिलेटेड टू सिल्क। नेक्स्ट चलते हैं अगली खबर की तरफ। नेक्स्ट न्यूज, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति हैं अभी एम वेंकैया नायडू, इनागुरेटेड नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव इन नेशनल कैपिटल। तो दिल्ली के अंदर उन्होंने ट्राइबल फेस्टिवल जिसका नाम है आदि महोत्सव, आदिवासी से रिलेटेड ये प्रोग्राम आदि महोत्सव जो है एक ट्राइबल फेस्टिवल है, उसका उद्घाटन किन्होंने किया, तो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय एम वेंकैया नायडू जी ने। और इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी उसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू इनागुरेटेड आदि महोत्सव, अ नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल एट दिल्ली हाट
इन INA इन द नेशनल कैपिटल. तो इंडियन नेशनल एयरवेज INA जो एक मार्केट है, जो एक एरिया है, वहां पर दिल्ली हाट नामक जगह के अंदर आदि महोत्सव एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का उद्घाटन जो है हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी ने किया. इट विल कंटिन्यू टिल 15th ऑफ दिस मंथ. तो ये 15 फरवरी तक ये महोत्सव, आदि महोत्सव ट्राइबल फेस्टिवल जो है वो चलेगा. द ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री सेड द आदि महोत्सव अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर. मतलब ये हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तुरंत बताइए. हु इज द करंट ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो उनका क्या बयान है, उनका बयान है कि ये जो महोत्सव का आयोजन किया जाता है आदि महोत्सव का, वो ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल जो आदिवासियों की संस्कृति है उसको प्रमोट करने के लिए, उनकी क्राफ्ट, उनकी कला को प्रमोट करने के लिए, उनके क्यूजन, उनके खान पान को प्रमोट करने के लिए और कमर्स ट्रेड, उनकी बनाई हुई वस्तुएं, उनके आर्टिसंस, उनके आर्ट्समैन, उनके क्राफ्ट्समैन के द्वारा बनाई गई चीजों को किस तरीके से कमर्स से जोड़ा जा सकता है, ट्रेड से जोड़ा जा सकता है, जिससे वो ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो मेन मार्केट के साथ जुड़ सके, मेन ट्रेड के साथ जुड़ सके और कमाई का उनका एक अच्छा साधन बन सके. तो कमर्स इज अ सक्सेसफुल एनुअल इनिशिएटिव दैट वाज कमेंस्ड इन 2017. तो इस आदि महोत्सव ट्राइबल फेस्टिवल का शुरुआत कब हुआ था, 2017 में, और तब से ये एक एनुअल फेस्टिवल बन गया है और हर साल ये ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव जो है वो मनाया जाता है. द फेस्टिवल वॉज एन अटेम्प्ट टू फेमिलराइज द पीपल विद द रिच एंड डाइवर्स क्राफ्ट कल्चर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज अक्रॉस द कंट्री इन वन प्लेस. मतलब एक ही जगह पर भारत के अन्य लोग और ट्राइबल कम्युनिटी को फेमिलराइज करने की जरूरत है, एक दूसरे से मिलाने की जरूरत है कि उनके आर्ट, उनके क्राफ्ट और उनके तमाम चीजों को हम जान सके, समझ सके और उनके व्यापार में इस तरीके से बढ़ोतरी हो सके. तो अराउंड 1000 ट्राइबल आर्टिसंस, तो 1000 से ज्यादा ट्राइबल आदिवासी कारीगर, आर्टिस्ट, कलाकार, शेफ्स जो है वो यहां पर मौजूद रहे, जो कि 20 राज्यों के, हमारे देश के 20 राज्यों के ट्राइबल कम्युनिटीज जो है ये यहां पर मौजूद रही. तो ये बहुत ही फेमस न्यूज है. आदि महोत्सव ट्राइबल फेस्टिवल जो है वो उनका उद्घाटन किन्होंने किया, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने. और ये कहां पर हुआ, तो ये दिल्ली हार्ट INA न्यू दिल्ली नेशनल कैपिटल के अंदर हुआ और ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने यहां पर बयान दिया. तो हु इज द करंट ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, तो देखते हैं आंसर किन्होंने दिया है कमेंट बॉक्स में. और अगेन आप सभी को गुड मॉर्निंग है और देखें कि किन्होंने इसका उत्तर दिया. बिल्कुल रिया गर्ग, आपका उत्तर बिल्कुल सही है. अर्जुन मुंडा इज द करेक्ट आंसर. हु इज द करंट ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अर्जुन मुंडा. तो इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ. नेक्स्ट न्यूज ये रहा आपके सामने, ऑक्सफोर्ड नेम्स आत्मनिर्भरता एज वर्ड ऑफ द ईयर फॉर हिंदी इन 2020. तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने आत्मनिर्भरता शब्द को हिंदी का शब्द घोषित किया 2020 का. तो 2020 में सेल्फ रिलायंट, जिसको हिंदी में आत्मनिर्भरता कहते हैं, इस शब्द का इस्तेमाल जो है बहुतों बार किया गया, जिस वजह से हिंदी का 2020 का ये वार्षिक शब्द बना है आत्मनिर्भरता. तो आत्मनिर्भरता इंप्लाइंग सेल्फ रिलायंस हैड बीन नेम्ड बाय ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस एज इट्स हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 एज इट validated the day-to-day achievements of the countless Indians who dealt with and survived the perils of a pandemic. तो आत्मनिर्भरता जो है ये validate करता है उन प्रयासों को, उन संघर्षों को जो हमारे भारतीयों ने इस महामारी के दौरान जोखिम उठाते हुए सहन किया है, आत्मनिर्भर बने हैं, सेल्फ रिलायंट बने हैं और अपने आप को संभाला है. और उनके मतलब एक सामूहिक प्रयास ने कोरोना के ऊपर कहीं ना कहीं हमें एक सकारात्मक होने का संदेश दिया है. तो इस कारण से आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हिंदी का वार्षिक शब्द चुना है 2020 के लिए. तो ये आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और इजी न्यूज है. नेक्स्ट खबर की तरफ चलेंगे. अगली खबर है, इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर कम्स अप इन चेन्नई. तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई के अंदर भारत का पहला जो है वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर. वेटलैंड एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जहां पर सारा साल
या तो सीजनली या फिर परमानेंटली जो है वो पानी जल भराव जो है एक फ्लडेड वाटर जो है वो जरूर रहता है, जिसके ऊपर वनस्पति, जिसके ऊपर जनजीवन और जो भी एक वाइल्ड लाइफ है वो उसके ऊपर पनपता है। माइग्रेटेड बर्ड्स वहां पर आती हैं, एक पूरा वाइल्ड लाइफ जो है वो एक सर्वाइव करता है उस वेटलैंड के ऊपर। तो वेटलैंड का होना हमारी ज्योग्राफी के लिए, हमारे भूभाग के लिए बहुत जरूरी है। तो उसी को, वेटलैंड को किस तरीके से संरक्षित रखा जा सकता है, किस तरीके से प्रोटेक्ट रखा किया जा सकता है, तो इंडिया का पहला, भारत का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर जो है वो चेन्नई में ओपन हुआ है, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज। तो इंडिया ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फेब को। तो आज ही के न्यूज में हम ये जरूर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो उसके उपलक्ष में इंडिया ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑन 2 फेब गॉट इट्स फर्स्ट स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट CWCM in Chennai, which will work as a knowledge hub for various stakeholders for conserving wetlands that occupy 4.6% of the country's total land area. तो भारत के total land area का 4.6% भूमि जो है वो wetland से घिरा हुआ है। उसको संरक्षित रखने के लिए जो उनके हितधारक हैं, वेटलैंड से जुड़े हुए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको यहां से नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, नॉलेज मिल सकता है और जानकारी मिल सकती है कि किस तरीके से वेटलैंड को सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सकता है। और इस सेंटर का नाम क्या है, CWCM, दैट इज सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। The CWCM has been set up as a part of National Center for Sustainable Coastal Management, Chennai. तो चेन्नई में ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है NCSCM, that is National Center for Sustainable Coastal Management. तो तटीय प्रबंधन जो एक सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, तो सस्टेनेबल का मतलब होता है कि किस तरीके से हम कोस्टल एरिया का मैनेजमेंट कर सके कि आने वाली जनरेशन जो है विदाउट इन्वायरमेंट डिप्लीशन जो है उसका फायदा उठा सके। तो आज की जनरेशन इस तरीके से इन्वायरमेंट का नुकसान ना पहुंचाए कि आने वाली जनरेशन जो है वो उसका इस्तेमाल ना कर सके। तो सस्टेनेबल का मतलब है कि सतत विकास जो है सतत वो बना रहना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी जो है वो रहनी चाहिए। तो कोस्टल मैनेजमेंट मतलब तटों का, समुद्र तटों का कितना मतलब उपयोग है हमारे जीवन के अंदर, इसकी महत्ता को समझाने के लिए और इसको संरक्षण देने के लिए हमारे इंडिया में ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट है जो चेन्नई में स्थित है, जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। उसी इंस्टीट्यूट के तहत सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जो है वो सेटअप किया गया है। तो ये न्यूज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो इट विल असिस्ट द नेशनल एंड स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स इन द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। तो ये जो CWCM नाम का सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर जो ओपन होने जा रहा है चेन्नई में, ये हमारे भारत के तमाम सरकारों को, राज्य सरकारों को, केंद्र शासित प्रशासन को ये सहायक सिद्ध होगा कि किस तरीके से आप वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए पॉलिसी बना सकते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेट टारगेट जो है, ऑब्जेक्टिव है कि वेटलैंड को संरक्षित रखा जा सके। अगली खबर की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बिकम्स फर्स्ट इन यूनियन टेरिटरी टू बी कोरोना फ्री। भारत का पहला आप राज्य, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच विल बिकम दी या विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट और यूटी टू बिकम कोरोना फ्री, योर आंसर वुड बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैड बिकम द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री टू बिकम COVID-19 फ्री विद एक्टिव केसेस फॉलिंग टू जीरो इन द आइलैंड। तो इस हमारे भारत के 8 UTs है, 8 UTs है हमारे इंडिया में। तो अंडमान और निकोबार जो है वो बहुत ही फेमस यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है और हम सभी ने इसके बारे में बहुत सुन रखा है, बहुत ही सुंदर ये द्वीप है। तो ये भारत का मतलब अभी तक भारत में कोई भी राज्य या कोई भी यूटी जो है वो कोरोना फ्री घोषित नहीं हुआ है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बिकम्स द फर्स्ट स्टेट और यूटी टू डिक्लेयर्ड एज कोरोना फ्री, क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर अब 0 केसेस रह गए हैं। तो हेल्थ मिनिस्ट्रीज वेबसाइट रिपोर्टेड दैट द लास्ट 4 इन्फेक्टेड पर्सन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव बीन डिक्लेयर्ड क्योर्ड। तो हेल्थ मिनिस्ट्री के वेबसाइट के अनुसार जो 4 इन्फेक्टेड लोग थे अंडमान और निकोबार आइलैंड में,
उनका इलाज हो चुका है और वो स्वस्थ हो चुके हैं. द यूटी हैड रिपोर्टेड अ टोटल ऑफ 4932 केसेस 4932 केसेस एंड 62 डेथ्स फ्रॉम द वायरस. तो अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर टोटल कोरोना के केसेस कितने हुए थे, 4932 केसेस हुए जिसमें से 62 मौतें हुई. Meanwhile, the share of Kerala in India's daily cases crossed 50% for the first time. और केरला जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव केस और इंडिया के कुल मामलों का 50% अकेला केरला में मामला है. तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो सकता है, फिगर हो सकता है कि देर वर 11,024 फ्रेश केसेस इन द कंट्री आउट ऑफ विच केरला अलोन रिपोर्टेड 5,716 दैट काउंटेड 51.8%. मतलब भारत में अभी रिसेंटली 11,000 समथिंग केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए जिसमें से 51.8% दैट इज 5,716 केसेस जो है वो अलोन केरला में रहे. द स्टेट आल्सो हैज द हाईएस्ट काउंट ऑफ एक्टिव केसेस ऑफ 69,157. तो 69,157 एक्टिव केसेस जो है अभी केरला के अंदर है. तो केरला एक्टिव केसेस के मामले में और भारत के कुल मामलों का 50% से अधिक मामला केरला में ही है, उस मामले में केरला वन पे है. और अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो अब कोरोना फ्री घोषित हो चुका है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा. तो हु इज द करंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. हम चलते हैं अगली खबर की तरफ. आरएस शर्मा, राम सेवक शर्मा अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम. तो आयुष्मान भारत स्कीम जो है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है फॉर पुअर पीपल, फॉर वल्नरेबल पीपल और बीपीएल फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली के लिए, हमारे इंडिया में सालाना 5,00,000 रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है. तो आयुष्मान भारत स्कीम के नए सीईओ कौन बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं, राम सेवक शर्मा, आरएस शर्मा जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं ट्राई के, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन रहे हैं. तो इंदु भूषण, सीईओ ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएचए के पूर्व सीईओ इंदु भूषण वुड बी रिप्लेस्ड बाय आरएस शर्मा. मतलब आयुष्मान भारत स्कीम के पूर्व सीईओ कौन थे, इंदु भूषण जी, जिनको रिप्लेस किया है आरएस शर्मा जी ने. तो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शर्मा हैड रिसेंटली बीन नेम्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ एन एम्पावर्ड कमेटी फॉर कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कोविन. तो इनको एक आरएस शर्मा जी को आयुष्मान भारत स्कीम का सीईओ तो बनाया ही गया है, लेकिन इसके अलावा आरएस शर्मा जी को एम्पावर्ड कमेटी फॉर कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी जो है वो किस तरीके से हो सकेगी, उसका जो एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कोविन, कोरोना के ऊपर कैसे विजय पानी है कोविन, उनका भी, इस कमेटी का भी चेयरमैन किसे बनाया गया है, आरएस शर्मा जी को. ही वॉज ऑल्सो इंडक्टेड इन टू द हाई लेवल वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पैनल हेडेड बाय वीके पॉल. तो वीके पॉल जो नीति आयोग के मेंबर हैं और डॉक्टर हैं प्रोफेशन से वीके पॉल, उनका जो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उस कमेटी के हेड वीके पॉल हैं. तो उसके भी एक खास मेंबर बनाए गए हैं आरएस शर्मा जी. तो आरएस शर्मा जी को तीन जिम्मेदारियां दी गई है, आयुष्मान भारत स्कीम के सीईओ बने हैं, इसके अलावा चेयरपर्सन बने हैं वो कोविन, जो कि वैक्सीन डिलीवरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है कोविन, तो उसके चेयरमैन बने हैं. और इसके अलावा वीके पॉल के द्वारा जो एक चेयरमैन वाली कमेटी है, जो वैक्सीन पैनल है, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पैनल है, उसके मेंबर बने हैं आरएस शर्मा. तो ये अपॉइंटमेंट की खबर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखते हैं कमेंट बॉक्स में लास्ट क्वेश्चन का उत्तर, और कोई डाउट अगर है तो वो हम जरूर लेंगे. बिल्कुल सीरत जहरा जी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका. हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन इज द करंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज की, अगली खबर की, तो फेसबुक अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एमिड ऑनगोइंग स्क्रूटनी. तो फेसबुक में काफी अभी छटनी चल रही है, लॉकडाउन का असर वहां पर भी दिख रहा है. तो फेसबुक अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एमिड ऑनगोइंग स्क्रूटनी. तो फेसबुक इनकॉर्पोरेशन INC हैज अपॉइंटेड हेनरी मोनिज एज इट्स फर्स्ट एवर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर. तो फेसबुक ने पहली बार
अपना एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो नियुक्त किया है, मुख्य अनुपालन अधिकारी जो है वो नियुक्त किया है, और वो किसे बनाया है, हेनरी मोनिस को। तो फेसबुक के ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि फेसबुक जो है वो बहुत ज़्यादा कई बार फेवरेटिज्म करता है, कई पार्टीज का या कई देशों के नेताओं का साथ देता है, अफवाहों को फैलाने में वो बहुत ज़्यादा कई बार कॉन्ट्रीब्यूशन भी करता है, जिस कारण से फेसबुक प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। तो कंप्लायंस ऑफिसर का यहां पर काम क्या होगा कि वो सभी तरह का अनुपालन करे, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करे, और वो फेसबुक को बिल्कुल इस तरीके का रखे कि वहां से अफवाह रूमर्स जो है वो फैल ना सके, या मिथ या जिसको हम कहते हैं कि झूठी खबरें अफवाहें जो हैं वो फैल ना सके। तो फेसबुक इंक हैज अपॉइंटेड हेनरी मोनिस एज इट्स फर्स्ट एवर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो वी आर प्लीज टू कंफर्म दैट हेनरी मोनिस विल बी ज्वाइनिंग फेसबुक टू लीड आर स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लायंस मैटर्स इन द यूएस एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो यूएस और पूरे दुनिया में क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स को लेकर, उसका अनुपालन करेगा, उसका कंप्लायंस करेगा, उस रूल को फॉलो करेगा फेसबुक। तो उसके लिए उन्होंने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया है, और वो कौन है, हेनरी मोनिस। तो राउटर्स नाम की जो न्यूज एजेंसी है उनको ये रिपोर्ट दिया है फेसबुक के स्पोक्स वुमेन ने। तो मोनिस हेल्ड सीनियर कंप्लायंस रोल्स एट वायकॉम स्टार्टिंग इन 2004। वायकॉम कंपनी के लिए भी वो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का काम कर चुके हैं हेनरी मोनिस। और इसके अलावा आपको ये जानना जरूरी है कि फेसबुक के फाउंडर कौन थे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ फेसबुक, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ही ईजी है, लेकिन देखिए इजी क्वेश्चंस भी कई बार पेपर में मिस हो जाते हैं हमसे, तो वो गलती ना हो। तो जल्दी से बताइएगा हु वॉज द फाउंडर ऑफ फेसबुक। Then Jeff Bezos to step down as Amazon CEO, Andy Jassy to take over in quarter third. तो quarter third में Andy Jassy जो है वो Amazon के new CEO बनेंगे, और जो current CEO है Jeff Bezos वो अपने उस post से नीचे उतर जाएंगे। Amazon CEO Jeff Bezos will leave his post later this year, टर्निंग द हेम ओवर टू द कंपनीज टॉप क्लाउड एग्जीक्यूटिव एंडी जैसी। तो क्लाउड नाम की जो सर्विस है उसके टॉप एग्जीक्यूटिव एंडी जैसी को सीईओ, न्यू सीईओ बनाया गया है अमेजॉन का, और इस साल के अंत में अमेजॉन के सीईओ जो हैं जेफ बिजोस जो हैं वो अपने पोस्ट से, सीईओ के पोस्ट से उतर जाएंगे। और न्यू सीईओ कौन बनेंगे, बहुत बड़ी कंपनी है अमेजॉन, तो उनके नए सीईओ का नाम क्या है, एंडी जैसी। तो जैसी ज्वाइंड अमेज़न इन 97 एंड हैज लेड अमेज़न्स वेब सर्विस क्लाउड टीम सिंस इट्स इंसेप्शन। तो शुरुआत से ही 97 में ही जो वेब सर्विस क्लाउड टीम जो है उसका हेड उन्होंने ही किया था एंडी जैसी ने। बेजोस सेड ही विल स्टे इंगेज इन इंपॉर्टेंट अमेज़न प्रोजेक्ट्स बट विल आल्सो हैव मोर टाइम टू फोकस ऑन द बेजोस अर्थ फंड, हिज ब्लू ओरिजिन स्पेसशिप कंपनी, देन द वॉशिंगटन पोस्ट एंड द अमेज़न डे वन फंड। तो जितने भी इनके एनजीओस के काम है या स्पेसशिप का इनका जो काम है इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे जेफ बेजोस, और सीईओ का काम देखेंगे एंडी जैसी। बेजोस 57 फाउंडेड अमेज़न इन 1994। अमेज़न जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, पहले ऑनलाइन बुक स्टोर का काम था इनका अमेज़न का, 1994 में जेफ बेजोस ने इसकी शुरुआत की थी। इनटू अ मेगा रिटेलर विद ग्लोबल रीच इन अ स्लू ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज फ्रॉम गैजेट्स टू ग्रोसरीज टू स्ट्रीमिंग। तो मतलब आप देखिए 94 में सिर्फ बुक स्टोर, ऑनलाइन बुक स्टोर था ये अमेज़न, लेकिन इसके अलावा अब इनका जो बिजनेस है गैजेट से ग्रोसरीज तक है, और स्ट्रीमलाइन मतलब स्ट्रीमिंग, जैसे नेटफ्लिक्स है वैसे अमेज़न जो है अब ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी है, तो उन सारे बिजनेस में अमेज़न अपने आप को फैला चुका है। अभी रिसेंटली एलन मस्क जो है वो नंबर वन रिचेस्ट पर्सन बने हैं, लेकिन उनसे पहले जेफ बेजोस ही अमेज़न के ही सीईओ जो थे वो नंबर वन रिचेस्ट पर्सन थे। तो अमेज़न जो है वो अपना इतना बड़ा पैर पसार चुका है बिजनेस के अंदर। तो अमेज़न सरपास्ड $1 trillion मार्केट कैपिटलाइजेशन अंडर बेजोस लीडरशिप इन जनवरी ऑफ लास्ट ईयर, इट्स नाउ वर्थ मोर देन $1.6 trillion। तो अमेज़न का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है एम कैप, जेफ बेजोस के लीडरशिप में ही लास्ट ईयर जनवरी में $1 trillion क्रॉस कर गया था, और फिलहाल वो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो अमेज़न का है $1.6 trillion के ऊपर है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स के उत्तर की तरफ। फेसबुक के फाउंडर, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं कि सभी ने सही उत्तर दिया हो। मार्क जकरबर्ग, बिल्कुल सही उत्तर। मुस्कान, मोहम्मद फैजान, रिया और सीरत, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट चलते हैं अगली खबर की तरफ. आयशा अजीज बिकेम इंडियाज यंगेस्ट फीमेल पायलट एट द एज ऑफ 25. तो कश्मीर की ये लड़की जो है अभी पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है, क्योंकि सबसे कम उम्र की ये फीमेल पायलट बनी है एट द एज ऑफ 25. तो आयशा अजीज द 25 ईयर ओल्ड फ्रॉम कश्मीर हु इज द यंगेस्ट फीमेल पायलट इन द कंट्री acts is a source of inspiration and a beacon of empowerment for numerous Kashmiri women. तो कश्मीरी वुमेन के लिए एक झंडा बरदार बनी है ये महिला सशक्तिकरण के मामले में, और पूरे इंडिया के लिए ये प्रेरणा स्रोत का काम करेंगी. 25 वर्ष की उम्र में भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है आयशा अजीज. तो आपको नाम याद रखना है कि इंडिया की सबसे कम उम्र की महिला पायलट 25 वर्ष की उम्र में कौन बनी है, तो वो कश्मीर की लड़की है आयशा अजीज. तो इन द ईयर 2011 अजीज बिकेम द यंगेस्ट स्टूडेंट पायलट टू गेट अ लाइसेंस एट द एज ऑफ 15. तो 2011 में अजीज जो है उनको 15 वर्ष की उम्र में ही लाइसेंस दिया गया था और सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट पायलट बनी थी वो उस समय. एंड अंडरवेंट ट्रेनिंग टू फ्लाई मिग 29 जेट एट रशिया सोकोल एयरबेस फॉलोइंग ईयर. और उसी के बाद वो सोकोल एयरबेस के ऊपर मिग 29 उड़ाने की ट्रेनिंग भी वो उन्होंने ली है. शी लेटर ग्रेजुएटेड इन एविएशन फ्रॉम द बॉम्बे फ्लाइंग क्लब एंड ऑब्टेन्ड अ कमर्शियल लाइसेंस इन 2017. और उसके बाद उन्होंने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से ग्रेजुएशन करने के बाद कमर्शियल लाइसेंस, कमर्शियल पायलट बनी है ये, कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ाएंगी. तो कमर्शियल लाइसेंस इन्होंने 2017 में लिया और ये यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी है 25 वर्ष की उम्र में. इनका नाम है आयशा अजीज. नेक्स्ट चलते हैं. इसरो चीफ के सिवान इनागुरेटेड सैटेलाइट डेवलप्ड बाय कोयंबटूर कॉलेज स्टूडेंट्स. तो इस सैटेलाइट का नाम है श्री शक्ति सैट. श्री शक्ति सैट जो है कोयंबटूर कॉलेज के स्टूडेंट्स ने 12 ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट्स ने मिलकर बहुत ही कम वजनी 460 ग्राम्स का 460 ग्राम सिर्फ 460 ग्राम का एक छोटा सा सैटेलाइट बनाया है श्री शक्ति सैट, जिसको इसरो के चीफ के सिवान ने इनागुरेट किया. तो इसरो चीफ के सिवान इनागुरेटेड अ प्राइवेट सैटेलाइट developed by a group of 12 students of Shri Shakti Institute of Engineering and Technology at the cost of rupees 2.5 crore. तो 460 ग्राम वजनी श्री शक्ति सैट, जो कि श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोयंबटूर का ये कॉलेज है तमिलनाडु में, और उन्होंने ये बनाया 12 स्टूडेंट्स ने मिलकर, तो प्राइवेट सैटेलाइट को लॉन्च किया है, मतलब इनागुरेट किया है. लॉन्च ये 28 फरवरी को होगा, इसी महीने 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के उपलक्ष्य में इसे लॉन्च किया जाएगा. द एकेडमिक सैटेलाइट विल बी लॉन्च ऑन फेब्रुवरी 28 फ्रॉम श्रीहरिकोटा रेंज बाय पीएसएलवी C-15 रॉकेट के थ्रू इसको छोड़ा जाएगा. पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसके थ्रू इसे छोड़ा जाएगा. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ सैटेलाइट डेवलप्ड बाय अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट. पहली बार ऐसा हुआ है भारत में कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा सैटेलाइट को डेवलप किया गया और उसे इसरो ने इनागुरेट किया, इसरो के चीफ ने के सिवान ने इनागुरेट किया. और उस सैटेलाइट का नाम है श्री शक्ति सैटेलाइट और 460 ग्राम ये वजनी है, 2.5 करोड़ की लागत से ये बना है. कोयंबटूर का कॉलेज है ये, 12 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने इसे मिलकर बनाया है और उस इंस्टीट्यूट का नाम है श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. द सैटेलाइट विल स्टडी इंटरनेट ऑफ थिंग्स अमंग अदर सब्जेक्ट्स. तो दूसरे विषयों के अलावा जो मेन इसका ऑब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट और इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करना. देन चलते हैं अगली खबर की तरफ. केरला लॉन्च्ड जेंडर पार्क इन फेब्रुवरी टू फोकस ऑन जेंडर इक्वालिटी. तो लैंगिक समानता के ऊपर फोकस करने के लिए केरला जो है आई थिंक भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपने काइंड का एक यूनिक कदम उठाते हुए जेंडर पार्क जो है उसे लॉन्च किया है. तो केरला गवर्नमेंट्स 3-towered कैंपस ऑफ जेंडर पार्क विल बिकम फंक्शनल इन फेब्रुवरी, क्लेम टू बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द नेशन. अपने देश का ये पहला ऐसा पार्क होगा. द कैंपस विच इज सिचुएटेड इन कोझिकोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 300 करोड़. 300 करोड़ की लागत से कोझिकोड केरला में ये जेंडर पार्क बनाया गया है जो जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता की बात करेगा और भारत का ये पहला अपने तरह का ये पार्क होगा. अकॉर्डिंग टू अ पीटीआई रिपोर्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, हेल्थ सोशल जस्टिस एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर के शैलजा ऑन ट्यूजडे
26 January said that the launch will coincide with the second edition of the International Conference on Gender Equality scheduled from 11 to 13 February. तो इसका जो लॉन्च है वो उन्होंने कहा है कि 11 से 13 फरवरी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी होगा उसी दिन इसको रखा गया है और जेंडर इक्वालिटी के नाम पर जेंडर पार्क जो है केरला ने लॉन्च किया जो हमारे देश का अपने काइंड का इस तरह का पहला पार्क होगा जो लैंगिक समानता की बात करेगा. केरला ही क्यों, क्योंकि हमें पता है लैंगिक अनुपात में अगर हम सेक्स रेशियो देखें इंडिया के अंदर तो केरला आज भी नंबर वन पे है, जहां पे प्रति हजार पुरुषों के मामले में महिलाएं ज्यादा है, जबकि पूरे देश में महिलाओं की संख्या प्रति हजार पुरुष के मामले में सेक्स रेशियो में कम है, लेकिन केरला जो है इस मामले में नंबर वन है जहां पर महिलाएं ज्यादा है प्रति हजार पुरुष. देन म्यांमार मिलिट्री स्टेजेस कूप डिक्लेयर्ड वन ईयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी. अभी रिसेंटली हमारे पड़ोसी मुल्क म्यांमार के अंदर एक मिलिट्री तख्ता पलट हुआ है, सैन्य तख्ता पलट हुआ है, जहां पर एक साल का आपातकाल की घोषणा कर दी है. लोकतंत्र समर्थक आंग सून सू की नाम की जो नेता है उनको हिरासत में ले लिया गया, वहां के राष्ट्रपति को कैद में रख लिया गया है. सैन्य शक्तियों के द्वारा सैन्य तख्ता पलट मिलिट्री कूप जो है वो हो चुका है. लोकतंत्र समर्थक जो लोग हैं वो सड़कों के ऊपर उतर चुके हैं और स्थिति जो है वो बहुत ही भयावह हो चुकी है म्यांमार के अंदर. तो म्यांमार मिलिट्री सीज पावर इन अ कूप डिटेनिंग द फैक्टो लीडर ऑंग सान सू की एंड अदर गवर्नमेंट लीडर्स एंड ब्लॉकिंग द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज डेमोक्रेटाइजेशन लेस देन अ डिकेड आफ्टर इट्स ट्रांजिशन टू सिविलियन रूल. तो बहुत दिनों से लोकतंत्र की डिमांड थी, काफी टाइम तक यहां पर सैन्य शासन रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले कुछ साल पहले ऑंग सान सू की को जब रिहा किया गया तो लोकतंत्र की उम्मीद जगी, लेकिन दोबारा से वहां पर सैनिकों ने सैन्य शासन कर लिया, तख्ता पलट कर दिया है और तमाम बड़े नेताओं को उन्होंने नजरबंद कर दिया है, कैद में रख दिया है, जिससे म्यांमार का लोकतंत्र दोबारा से खतरे में आ चुका है. द मिलिट्री विच हैड डायरेक्टली रूल्ड द कंट्री फ्रॉम 62 टू 2011 अनाउंस दैट द स्टेट ऑफ इमरजेंसी विल कंटिन्यू फॉर वन ईयर एंड दैट द मिलिट्री चीफ सीनियर जनरल मिन उंग हेलांग विल लीड ड्यूरिंग द पीरियड. तो वहां के जो मिलिट्री चीफ हैं जनरल मिन उंग लियांग वो एक साल तक कंट्री के ऊपर रूल करेंगे और एक साल तक आपातकाल की घोषणा कर दी गई है. अ स्पोक्समैन फॉर द रूलिंग पार्टी सेड सू की म्यांमार प्रेसिडेंट विन मिंट एंड अदर सीनियर पार्टी ऑफिशियल्स वर डिटेन्ड बाय द मिलिट्री अर्ली इन द मॉर्निंग. तो यहां पर रूलिंग पार्टी जो है एनएलडी वहां की रूलिंग पार्टी है, उनके प्रवक्ता के द्वारा यह कहा गया कि सू की विन मिंट और जो सीनियर ऑफ पार्टी के लीडर्स हैं एनएलडी के लीडर्स हैं उनको कैद में रखा गया है. तो म्यांमार की कैपिटल इज, म्यांमार के बारे में पूछा जा सकता है, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, म्यांमार की कैपिटल इज ने पाई थो. नेपीतो बोलते हैं इसको, नेपीतो इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार और इनकी करेंसी जो है म्यांमार की करेंसी जो है वो है क्याट. क्याट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार. नेक्स्ट चलते हैं अगली खबर की तरफ. रिलायंस गेट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स. तो दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल जो है यूनाइटेड स्टेट्स से लेने वाली कंपनी बनी है हमारे भारत की रिलायंस. तो बिलियनियर मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज सोर्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम द यूएस एज इट लुक्स टू बिकम अ नेट जीरो कार्बन कंपनी बाय 2035. तो कार्बन न्यूट्रल ऑयल का काम क्या होता है कि उस ऑयल से जो कार्बन का इमिशन है, कार्बन का जो उत्सर्जन है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचता है. तो जीरो कार्बन कंपनी बन जाएगी 2035 तक रिलायंस. तो रिलायंस विच ऑपरेट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन ऑयल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स एट जामनगर इन गुजरात विद कैपेसिटी ऑफ 68.2 मिलियन टन्स अ ईयर गॉट 2 मिलियन बैरल्स ऑफ कंसाइनमेंट परमियन बेसिन द यूएस सप्लायर सेड इन अ स्टेटमेंट. तो 2 मिलियन बैरल्स जो हमको सालाना ये दिया जाएगा यूएस सप्लायर के द्वारा. तो ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स अ डिवीजन ऑफ यूएस ऑयल मेजर ऑक्सीडेंटल डिलीवर्ड कार्बन न्यूट्रल ऑयल टू रिलायंस. तो कौन सी कंपनी, यूएस की कौन सी कंपनी देगी ऑक्सीलो कार्बन वेंचर जो है, जो कि यूएस की ऑयल मेजर ऑक्सीडेंटल का ही एक डिवीजन है, वो सप्लाई करेगी कार्बन न्यूट्रल ऑयल टू रिलायंस. तो आपको सिंपली याद रखना है कि कार्बन न्यूट्रल ऑयल लेने वाला यूएस से पहला देश कंपनी बना है रिलायंस, जो कि मुकेश अंबानी लेट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड.
अगली खबर की तरफ चलते हैं। बेंगलुरु होस्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉगरेटेड चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव एट एयरफोर्स स्टेशन येलाहंका इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन येलाहंका के अंदर एयरफोर्स चीफ ऑफ एयर स्टाफ का कॉन्क्लेव हुआ। तो इट हैज बीन ऑर्गेनाइज बाय इंडियन एयरफोर्स इन हाइब्रिड फॉर्म, डिजिटल एंड फिजिकल मोड। तो डिजिटल और फिजिकल मोड के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया, भारतीय वायुसेना के द्वारा। इट वॉज अ टू डे कॉन्क्लेव दैट वॉज हेल्ड फ्रॉम 3 to 4 February। ये दो दिवसीय कॉन्क्लेव था जो 3 से 4 February तक चला। चीफ ऑफ एयर स्टाफ फ्रॉम अबाउट 75 countries पार्टिसिपेटेड ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म टू एक्सचेंज दियर थॉट्स ऑन करंट इश्यूज रिलेटेड टू एरोस्पेस पावर स्ट्रेटजी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। 75 देशों के वायुसेना प्रमुख ने इस कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किया, जिसके ऊपर उन्होंने अपने विचार जो है वो साझा किए, किन मुद्दों के ऊपर जो करंट इश्यूज हैं रिलेटेड टू एरोस्पेस, वायुसेना और वायु से रिलेटेड और एरोस्पेस से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजीज है, रणनीति है, और जो भी टेक्नोलॉजिकल तकनीकी विकास की जो बातें हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है एरोसाइंस के अंदर, एरोस्पेस के अंदर, उसके ऊपर 75 देशों के चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने यहाँ पर वार्तालाप की है 3 to 4 February। और ये चीफ ऑफ द एयर स्टाफ CAS कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ, तो येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन इन बेंगलुरु में ये हुआ। और इसका उद्घाटन किन्होंने किया, तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट न्यूज की तरफ, दलाई लामाज द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट हाइलाइट्स द की टू हैप्पीनेस। तो एडिटेड बाय रेणुका सिंह एंड पब्लिश बाय पेंगुइन रैंडम हाउस, दलाई लामाज द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट हैज 130 quotes विद वर्ड्स ऑफ विजडम एमिड पेंडेमिक, प्रोमोट्स ह्यूमन वैल्यूज, स्पिल्स द बीन्स ऑन की टू हैप्पीनेस एंड कमेंट्स ऑन सिनो इंडिया टाइज। तो भारत चाइना संबंध के ऊपर कमेंट से होते हुए हैप्पीनेस, पेंडेमिक, ह्यूमन वैल्यूज, वर्ड ऑफ विजडम, 130 quotes जो है दलाई लामा जी के द्वारा जो है यहां पर दिए गए हैं। और दलाई लामा की ये बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। तिब्बती धर्मगुरु जो 58-59 में तिब्बत से पलायन करके भारत आ गए थे, धर्मशाला को अपनी राजधानी बनाई, और इसके अलावा वो तब से धर्मशाला में ही उपस्थित है, जिसका विरोध चाइना हमेशा से करता रहा है। तो दलाई लामा को पूरा सपोर्ट किया भारत ने और पूरे विश्व ने। तो दलाई लामा की जो लेटेस्ट बुक है, उस बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, जो कि एडिट की गई है रेणुका सिंह के द्वारा और पब्लिश की गई है पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा। तो आपको इस फेमस शख्सियत, तिब्बती धर्मगुरु जो है, इनके इस बुक का नाम जरूर याद रखना चाहिए, जो कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। देन नेक्स्ट न्यूज, 4G मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बीइंग रीस्टोर्ड इन JNK आफ्टर 18 months। तो JNK में आर्टिकल 370 के अबॉलिशन के बाद जो इंटरनेट के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी 4G इंटरनेट के ऊपर, उसे दोबारा से चालू कर दिया गया है, रीस्टोर कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट इज बीइंग रीस्टोर्ड अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर ऑलमोस्ट 18 months, JNK गवर्नमेंट स्पोक्समैन रोहित कंसल स्टेटेड द सेम। The demand for the restoration of high-speed internet has been growing in the UT from past many months. Not only the local BJP leadership, apni party leader Altaf Bukhari and National Conference President Farooq Abdullah had also demanded the restoration of 4G internet in JNK. तो तमाम नेताओं ने, तमाम संगठनों ने बहुत दिनों से ये डिमांड कर रखी थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 4G इंटरनेट, जो कि एक बेसिक नीड है, बेसिक जरूरत है लोगों की आज की डेट में इंटरनेट, उसको दोबारा से रीस्टोर किया जाए। लेकिन भारत सरकार ने इसके ऊपर पाबंदी लगा रखी थी सुरक्षा कारणों के कारण, कि अफवाह, रूमर्स जो है इंटरनेट पे बहुत तेजी से फैलते हैं, और कश्मीर के हालात तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक इंटरनेट के ऊपर काफी देर तक पाबंदी ना लगाई जाए। तो रिसेंटली इन द यूनिफाइड कमांड हेडक्वार्टर्स मीटिंग इन विंटर कैपिटल जम्मू, द डिसीजन टू रिस्टोर 4G इन JNK वॉज टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार के द्वारा जो शीतकालीन राजधानी है JNK की, जम्मू, वहां पर ये डिसीजन लिया गया और दोबारा से 4G नेट को, इंटरनेट को, हाई स्पीड इंटरनेट को दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया है JNK के अंदर। तो इन अगस्त लास्ट ईयर हाई स्पीड इंटरनेट वॉज रिस्टोर्ड इन 2 districts ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर इट वॉज स्नैप्ड बाय द गवर्नमेंट। तो 5 अगस्त 2019 को जो 370 आर्टिकल जो है उसको अबॉलिश किया गया था, उसके बाद ये पाबंदी लगाई गई थी। तो अगले साल अगस्त में ही कुछ 2 districts में इसे चालू किया गया था, लेकिन पूरे JNK में 18 महीने की पाबंदी के बाद 4G इंटरनेट जो है दोबारा से रीस्टोर कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं अगली खबर की तरफ। BCCI सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया सेक्रेटरी जय शाह
वॉज ऑन 30 जनवरी यूनानिमसली इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल. शाह रिप्लेसेस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चीफ नजमुल हसन पापुन. तो नजमुल हसन पापुन जो बांग्लादेश के चीफ हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ थे, प्रेजिडेंट थे. तो उनकी जगह पे यूनानिमसली एक मत से सभी लोगों ने बीसीसीआई के सेक्रेटरी, बीसीसीआई के जो करंट सचिव हैं जय शाह, जो सुपुत्र हैं अमित शाह जी के, हमारे गृह मंत्री के, उनको एशियन क्रिकेट काउंसिल का नया प्रेसिडेंट बनाया गया. तो बीसीसीआई के करंट सेक्रेटरी अब अमित शाह जी के सुपुत्र जय शाह जी को एशियन क्रिकेट काउंसिल का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है. देन नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं. बीसीसीआई कैंसल्ड रणजी ट्रॉफी 2020-2021 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 87 इयर्स. तो महाराजा रणजी सिंह के नाम पर जो है रणजी ट्रॉफी की शुरुआत जो है 87 वर्ष पहले हुई थी भारत में, और हर साल ये डोमेस्टिक जो 5-डे टेस्ट फॉर्मेट के ऊपर ये टूर्नामेंट खेला जाता है इंडिया में, पहली बार इसे कैंसिल किया गया 87 इयर्स में. तो बीसीसीआई विल नॉट बी कंडक्टिंग इट्स प्रीमियर फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 87 इयर्स एज द पेरेंट बॉडी ऑप्टेड फॉर द विजय हजारे ट्रॉफी एज पर द विशेज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट यूनिट्स. तो 5 दिनी प्रोग्राम रणजी ट्रॉफी एक बड़ा प्रोग्राम है, बहुत लंबे समय तक चलता है. तो राज्य सरकार जो है कोरोना पेंडेमिक के रूल्स, बायो बबल और इस तरह के रेगुलेशंस को देखते हुए, स्ट्रिक्टनेस को देखते हुए, उन्होंने सोचा कि ये कार्यक्रम जो है ये लंबा चलेगा और बहुत मुश्किलात आ सकती हैं इसको ऑर्गेनाइज करने में. तो इससे अच्छा है कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो हो जाए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसे भी हुआ था, तो वैसे विजय हजारे ट्रॉफी हो जाए वो बेहतर है, और रणजी ट्रॉफी जो है वो अगले सीजन तक के लिए टाल दिया जाए. द बीसीसीआई विल आल्सो होस्ट द अंडर 19 नेशनल वनडे टूर्नामेंट फॉर द विनू मांकर ट्रॉफी एंड वुमेन्स नेशनल 50 ओवर टूर्नामेंट एज पर अ लेटर सेंट बाय बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह टू द स्टेट यूनिट. तो इसके अलावा रणजी ट्रॉफी तो इस साल नहीं होगा 2020-21 का, 87 वर्ष में पहली बार रणजी ट्रॉफी को कैंसिल किया गया है, उसकी जगह पर विजय हजारे ट्रॉफी कंटिन्यू रखा जाएगा, और अंडर 19 नेशनल वनडे टूर्नामेंट जो है विनू मांकर ट्रॉफी वो करवाया जाएगा, और वुमेन्स नेशनल 50 ओवर टूर्नामेंट जो है वो भी करवाया जाएगा. तो चलते हैं बच्चों के कमेंट्स की तरफ, स्टूडेंट्स के व्यूज की तरफ, और फिर चलेंगे अगले न्यूज की तरफ. गुड मॉर्निंग आप सभी को, अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. तो इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने और सभी स्टूडेंट्स के साथ, जिससे और स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें. तो चलते हैं अगली खबर की तरफ. बंगाल फास्ट बॉलर अशोक डिंडा अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट. तो फास्ट बॉलर अशोक डिंडा जो इंडियन टीम में भी शामिल रहे थे और आईपीएल भी खेल चुके हैं और बंगाल की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, तो अशोक डिंडा ने रिटायरमेंट लिया. तो आपसे सिंपल पूछा जाता है कि जिस भी प्लेयर ने रिटायरमेंट ली हो ना, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पेपर में जरूर आते हैं कि बताइए ये किस खेल से संबंधित रहे. रजत भाटिया दिल्ली के रणजी ट्रॉफी प्लेयर, अभी रिसेंटली उन्होंने रिटायरमेंट ली, तो एक एग्जाम में अभी कुछ महीने पहले पूछा गया था कि रजत भाटिया बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स, क्रिकेट. ऐसे ही अशोक डिंडा के बारे में पूछा जा सकता है जो कि क्रिकेटर रहे बंगाल रणजी टीम से और आईपीएल भी ये खेल चुके हैं और इंडियन टीम को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो अशोक डिंडा जो है वो किस गेम से संबंधित हैं, क्रिकेट से. तो फास्ट बॉलर अशोक डिंडा हैड अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ऑन 2nd February 2021. 36 ईयर ओल्ड राइट हैंडेड पेसर मेड हिज फर्स्ट क्लास डेब्यू फॉर बंगाल इन 2005 एंड प्लेड फॉर 15 ईयर्स इन बंगाल क्रिकेट. 15 साल इन्होंने बंगाल क्रिकेट को दिए. डिंडा मेड हिज इंटरनेशनल डेब्यू इन 2009 में इन्होंने भारत के लिए डेब्यू किया था इन अ T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट श्रीलंका, फॉलोड बाय मेकिंग हिज ओडीआई डेब्यू इन जिम्बाब्वे इन 2010. 2009 में T20 में इन्होंने डेब्यू किया. 2010 जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इन्होंने वनडे में डेब्यू किया. ही प्लेड 13 ODIs. ये भारत के लिए 13 वनडे खेल चुके हैं और 9 T20 खेल चुके हैं. और डिंडा प्ले 116 फर्स्ट क्लास मैचेस फॉर बंगाल टेकिंग 420 विकेट्स एट अ बॉलिंग एवरेज ऑफ 28.28. तो बंगाल के लिए 116 फर्स्ट क्लास मैचेस और 420 विकेट्स ये हासिल कर चुके हैं. तो एक सक्सेसफुल करियर इनका रहा है फर्स्ट क्लास में, अशोक डिंडा. नेक्स्ट, नोबेल लॉरिएट पॉल क्रुट्जन हु वॉर्न्ड ऑफ ओजोन होल डाइड एट 87. तो नोबेल लॉरिएट, नोबेल विजेता पॉल क्रुट्जन, जिन्होंने ओजोन होल के बारे में, ओजोन छेद के बारे में चेतावनी दी थी,
87 वर्ष की उम्र में उनका अभी रिसेंटली निधन हुआ है. द मैन मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मॉनिकर, नोबेल प्राइज विनिंग केमिस्ट पॉल क्रुटजन, डाइड एट द एज ऑफ 87. क्रुटजन डिस्कवर्ड इन 1970 दैट नाइट्रोजन पोल्यूशन वॉज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग ओजोन इन द एटमोस्फेयर, अ क्रिटिकल लेयर ऑफ दैट प्रोटेक्ट्स लिविंग थिंग्स फ्रॉम द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. तो यूवी रेडिएशन से बचाने वाला ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहा है नाइट्रोजन पोल्यूशन. ये सबसे पहली बार 1970 में बताया था पॉल क्रुटजन ने, जिनकी अभी रिसेंटली 87 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई है, और इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है पॉल क्रुटजन को. देन नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड लेप्रोसी डे. तो वर्ल्ड लेप्रोसी इराडिकेशन डे जो है इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द लास्ट संडे ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी. तो इस साल लास्ट संडे ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी जो है वो 31 जनवरी को हुआ. तो दिस ईयर द डे फॉल्स ऑन जनवरी 31 इन इंडिया. हाउएवर द डे सेलिब्रेटेड ऑन 30th January. द डे इंटेंड्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट लेप्रोसी, एन इन्फेक्शियस क्रोनिक डिजीज दैट यूजली अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड इम्पैक्ट्स मूवमेंट्स ऑफ फीट, हैंड्स एंड फेस. कुष्ठ रोग जिसे हम कहते हैं लेप्रोसी. भारत में इसे 30 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जी का ये दिन है, जिस दिन महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी. और महात्मा गांधी जी कुष्ठ रोगियों के लिए हमेशा उन्होंने कदम उठाया. तो लेकिन इंटरनेशनली अगर हम देखें तो लास्ट संडे ऑफ जनवरी मनाया जाता, तो इस साल ये 31 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे आया. देन नेक्स्ट डे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे. तो वर्ल्ड वेटलैंड्स, किस तरीके से वेटलैंड्स की संरक्षण किया जाए, प्रोटेक्शन किया जाए, हमारे वाइल्ड लाइफ को बचाया जाए, हमारी ज्योग्राफी का ख्याल रखा जाए, तो 2 फरवरी को ये मनाया जाता है. और सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इनकरेजेस एक्शन टू रिस्टोर देम एंड स्टॉप देयर लॉसेस. तो इस तरीके से हमारे वेटलैंड, हमारी ज्योग्राफी, हमारे जो वन्य जनजीवन है उसको कैसे सुरक्षित रखा जा सके, वर्ल्ड वेटलैंड डे को 2 फरवरी को इसकी सूचना दी जाती है और इसको अवेयर किया जाता है लोगों को. देन लास्ट डे वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी. तो वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 4 फरवरी. इट इज अ ग्लोबल यूनाइटिंग इनिशिएटिव लेड बाय द यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर काउंसिल. तो कैंसर से अवेयरनेस के लिए जो है वो कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है. और इस साल का थीम क्या रखा गया, आई एम एंड आई विल. तो इस साल का थीम रखा गया है आई एम एंड आई विल, कि कैंसर जो है वो एक ला इलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है, इसलिए इसे लड़ा जाए और इसके ऊपर विजय पाई जाए, इसको लेकर अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है. तो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है. तो इसी के साथ चलते हैं आज के सेशन से रिलेटेड क्विज की तरफ. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हु इनॉगरेटेड 8th India International Silk Fair. तो 8वां इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर का उद्घाटन इनमें से किन्होंने किया, अमित शाह जी, स्मृति ईरानी जी, पीएम मोदी जी या निर्मला सीतारमन जी. जल्दी से आंसर दीजिएगा. सोफी, खुशी, सीरत, रिया, मोहम्मद फैजान. तो आप सभी का उत्तर अब आ जाना चाहिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट रिस्पांस जो है वो अब आना शुरू हो चुका है स्टूडेंट्स के द्वारा. और फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज स्मृति ईरानी इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही डीआर जी आपका उत्तर. सेकेंड, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू इनॉगरेटेड नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव इन. तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया, इज इट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली या कर्नाटका. अतुल, रिया, उत्तर बिल्कुल सही आपका. खुशी जी आपका भी उत्तर सही है. तो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम आ चुके हैं और सेकंड क्वेश्चन का उत्तर जो है वो जल्द से जल्द दीजिएगा. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं और सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज करेक्ट, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर. देन थर्ड क्वेश्चन की तरफ, इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर कम्स अप इन. भारत का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर जो है वो कहां पर ओपन हुआ है, इज इट मुंबई, चेन्नई, बिहार या लखनऊ. अतुल, रिया, सीरत, सोफी, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है. और थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं और थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा. और थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है. तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज
चेन्नई इज द करेक्ट आंसर. थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. डैश टू ज्वाइन एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड पैक्ट CPTPP. तो यहां पर एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसिफिक ट्रांस एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड पैक्ट है, एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पैक्ट है जिसका शॉर्ट फॉर्म है CPTPP. तो उसको अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री ज्वाइन करेगी. 11 देशों का ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट प्रोग्राम है, इसे कौन सा देश ज्वाइन करने जा रहा है. तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर, तो ये आज के सेशन में नहीं था लेकिन हम आपको करा रहे हैं. तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम इज द करेक्ट आंसर. बोरिस जॉनसन ने इस फ्री ट्रेड पैक्ट को ज्वाइन करने की घोषणा की है जो कि 11 कंट्रीज को मिलाकर ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बनेगा. तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए. देन चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. विच स्टेट लॉन्च्ड जेंडर पार्क इन फेब्रुअरी टू फोकस ऑन जेंडर इक्वालिटी. कौन से राज्य ने जेंडर पार्क को लॉन्च किया है लैंगिक समानता को प्रमोट करने के लिए. इज इट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली या केरला. सीरत, अतुल, रिया, खुशी, बहुत खूब आप सभी का उत्तर. तो फिफ्थ क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा. पांचवें क्वेश्चन का उत्तर जो है वो भी आना स्टार्ट हो चुका है और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज केरला इज द करेक्ट आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, बिल्कुल सही उत्तर. रिया, अतुल, बिल्कुल सही उत्तर. देन सिक्स क्वेश्चन की तरफ. 4G मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बीइंग रिस्टोर्ड इन JNK आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स. तो JNK में 4G इंटरनेट को कितने महीनों के बाद रिस्टोर्ड किया गया है. इज इट 18 months, 16 months, 15 months या नन ऑफ दीज, ए बी सी या डी. तो सिक्स क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा. सिक्स क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं और सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर भी स्टूडेंट्स के द्वारा आना स्टार्ट हो चुका है और सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, बिल्कुल सही उत्तर. ए ऑप्शन 18 months इज द करेक्ट आंसर. देन सेवन क्वेश्चन. द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI सेक्रेटरी जय शाह वॉज ऑन डैश यूनानिमसली इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल. तो जय शाह को कौन से दिन को ACC का प्रेसिडेंट बनाया गया. तो सेवेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा कि ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट जय शाह को यूनानिमसली कौन से दिन इलेक्ट किया गया. तो सेवेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही उत्तर सी ऑप्शन, January 30 इज द करेक्ट आंसर. सेवेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज January 30. एट क्वेश्चन. BCCI कैंसल रणजी ट्रॉफी 2020-2021 फॉर फर्स्ट टाइम इन हाउ मेनी ईयर्स. कितने सालों में पहली बार रणजी ट्रॉफी को पहली बार कैंसल किया गया. इज इट 84 years, 85 years, 86 years या 87 years. एट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा. सेवन क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने. आठवें क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं. दो क्वेश्चंस और रह गए, उसके बाद आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे. फिर अगले हफ्ते मंगलवार को सुबह 10 बजे हमारी और आपकी मुलाकात होगी और एट क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आप सभी के द्वारा 87 years जो है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. एट क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी ऑप्शन. खुशी कुमारी बिल्कुल सही उत्तर. रिया आपका उत्तर बिल्कुल सही है. नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं. वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड ऑन. वर्ल्ड कैंसर डे कौन से दिन मनाया जाता है. इज इट 3rd फेब, 4th फेब, 5th फेब या 6th फेब. नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा. तो नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर भी स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स के द्वारा आना. वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच पर्टिकुलर डे, ए बी सी और डी. तो नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो बिल्कुल सही, 4 फेब्रुअरी इज द करेक्ट आंसर. नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी ऑप्शन. देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 सेलिब्रेटेड ऑन. वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है. इज इट ए बी सी और डी, 2nd फेब, 3rd फेब, 4th फेब्रुअरी या 28 जनवरी. तो जल्दी से उत्तर दीजिएगा 10th क्वेश्चन का और 10th क्वेश्चन का भी रिस्पांस जो है वो स्टूडेंट्स के द्वारा अब आ रहा है
और 10th क्वेश्चन का राइट आंसर भी जो है वो आ चुका है स्टूडेंट्स के द्वारा। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 जो है वो कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही उत्तर आप सभी स्टूडेंट्स का। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर इज 2 फेब इज द करेक्ट आंसर, 2 फेब इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, 2 फेब इज द करेक्ट आंसर। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है और वीकली करंट अफेयर्स को लेकर अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 10 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलिएगा, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।